क्या बना रहे हो भैया आप लोग? मंडप मतलब पंडाल बनेगा ये? अच्छा, कहाँ तक जाएगा? वहाँ सामने तक? अच्छा, तो सुन सकते हैं, ये भी पंडाल बन रहे हैं। तो सर कथा के बारे में बताइए आप। कथा यहाँ पर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हो रही है और ये दशहरा मैदान हाई स्कूल है, तिंदा पता यहाँ का एड्रेस है। कथा का समय 2 से 5 रहेगा। बैठने की व्यवस्था अपन सुचारू रूप से कर रहे हैं और मतलब ये है कि हम बैरिकेडिंग कर करके एक एक ब्लॉक को भरते जाएंगे, मतलब पूरे व्यवस्थित ढंग से हम कर रहे हैं कि किसी को भी दिक्कत बैठने में ना हो यहाँ पर आने के बाद। और जैसे पार्किंग की व्यवस्था है तो हम सब पार्किंग को पूरे शहर के बाहर रख रहे हैं ताकि अंदर कोई जाम की स्थिति ना बने। अच्छा, तो फिर भी पंडाल से कितना किलोमीटर दूरी पे? पंडाल से एक पार्किंग जो है ये इधर गोका कॉलेज के पास, मतलब लगभग 800 मीटर के आसपास, 800-900 मीटर है। हाँ। एक इधर अपना मंडी के पास है, एक अच्छा। वहाँ पर मंडी है और वहाँ पर 1-2 मीले हैं, वहाँ पर अंदर पार्किंग हुआ जो सिंगोधा तरफ से रास्ता आता है वो भी लगभग 600-700 मीटर, 700-800 मीटर दूर है यहाँ से। बात करें रेलवे स्टेशन से, ये पंडाल की दूरी है मतलब मैदान की दूरी, तो वो कितना है? रेलवे स्टेशन से 1.5 से 1.25 किलोमीटर के आसपास ये पंडाल की दूरी पड़ेगी। अच्छा, और बस की बात करें तो बस हम लोग जैसे व्यवस्था से बहुत लोग आ रहे हैं कि जो हम मिनी बस बोले अंदर यहाँ लगा देंगे। हाँ। तो स्टेशन से या जहाँ पर भी अपन ने बैरिकेडिंग करेंगे, जहाँ पर अपन बैरिकेडिंग करेंगे पार्किंग की ना, तो वहाँ से बैटरी गाड़ी है बस की, ऐसी व्यवस्था हम लोग लाने ले जाने के लिए कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, और जो भक्त मतलब बाहर से आ रहे हैं तो उनके रुकने के लिए? बाहर से जो आएंगे भक्त, बहुत सारे लोग तो पंडालों में रुकते हैं। पंडाल में जो लोग रुकेंगे उसके लिए हम लोग एक लॉक रूम बना रहे हैं जहाँ पर वो अपना सामान रख सकते हैं। क्या होता है कि जैसे भक्तगण यहाँ बैठते हैं हाँ। तो एक के बदले 2-3 लोग का सामान के साथ रहने से 2-3 लोग की जगह मिल जाती है, तो हम लोग उसके लिए सामान रखने की व्यवस्था अलग कर रहे हैं। अच्छा। उनको टोकन मिलेगा सामान के साथ, सामान रखेंगे टोकन मिलेगा, तो जब वो दिन में बैठेंगे जब भी कथा में उनका सामान यहाँ पर लॉकर रूम में रख देंगे और बाद में लॉकर रूम कथा की समाप्ति के बाद अपना सामान वहाँ से ले सकते हैं वापस। बाकी उसके बाद भी जैसे और किसी को, जैसे धर्मशाला वगैरह भी हमने किया है, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं पंडाल में नहीं रुक के कोई धर्मशाला में रुकना चाहेगा, और मिलों में भी ग्राउंड में हम साफ पर आके गद्दे पंखे लगवा रहे हैं। अच्छा, ये भी व्यवस्था है? हाँ, वो भी है। अच्छा, अच्छा है। सर अभी बात करें बरसात की दिन है तो आप पंडाल से बारिश वारिश नीचे थोड़ी ना होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये पूरा ये एल्युमिनियम सेक्शन से है, पूरा वाटर प्रूफ, 2.5 लाख स्क्वायर फीट का पूरा वाटर प्रूफ पंडाल है। अच्छा, पूरा वाटर प्रूफ है, पानी की संभावना बिल्कुल नहीं है अंदर आने की। और बात करें पंडित जी का आगमन कब होगा? पंडित जी का आगमन 31 तारीख को होगा, उनका फाइनल प्रोग्राम अभी नहीं मिला है कि वो फ्लाइट से आ रहे हैं कि ट्रेन से आ रहे हैं, लेकिन उनका आगमन 31 तारीख को होगा। अच्छा, तो उनका स्वागत होगा? स्वागत होगा, वो अभी स्वागत तो होगा उनका, लेकिन अभी जैसे मान लो रायपुर जाना है या स्टेशन जाना है, मतलब अभी उनका प्रोग्राम फाइनल नहीं होकर के अपन नहीं बता पा रहे कि वो अच्छा किस समय पहुंचेंगे। कथा का समय? कथा का समय 2 से 5 रहेगा। 2 से 5 रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सुन सकते हैं, ये है सारी जानकारी शिव महापुराण कथा को लेकर के तिलदा न्योरा के दशहरा मैदान में होना है 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक। तो और इस तरह से आप देख सकते हैं कि भव्य रूप से जो तैयारी है वो चालू है और लगातार काम जारी है दोस्तों। तो बस पूरा पंखा फिटिंग हो रहा है दोस्तों, इधर देख सकते हैं सारे भक्तगणों के लिए। कहाँ से हो भैया आप लोग? नागपुर से। तो भैया लोग पहुंचे हुए हैं नागपुर से, तो कब तक हो जाएगा आप लोग का काम लगभग पूरा? फिर भी 2 दिन और? अच्छा, 28 तक। तो इस तरह से सुन सकते हैं दोस्तों, 28 तक भैया लोग का भी काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इधर है स्टेज जो कि अभी बन रहे हैं, यहाँ पे आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी विराजमान होंगे और जल्द ही यहाँ पर अभी काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बारिश होती है तो बारिश के लिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पंडाल है वो है वाटर प्रूफ, और अगर बाहर से लोग आते हैं रुकने के लिए तो वो रुक सकते हैं। और 1 तारीख से 7 तारीख तक होना है अगस्त में, और कथा का समय है दोस्तों दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक। तो बस ये जानकारी हमारी तरफ से आपके लिए, 31 तारीख को पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हो जाएगा और उनका स्वागत वीडियो हम हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।